बिहार में पिछले 3 दिनों से बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मौसम भी पूरी तरह ठंडा है, लेकिन कोरोना काल में दो नेताओं की मुलाकात ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री एवं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के बीच मुलाकात की। दोनों नेताओं के मिलने की तस्वीर सामने आने के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की इस मुलाकात की वजह क्या हो सकती है? क्या बिहार में आने वाले दिनों में कोई राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है? ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि दोनों ही नेताओं ने मुलाकात के बाद कोई बयान जारी नहीं किया। हालांकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जरूर इस मुद्दे पर एक ट्वीट करके बताया कि मुलाकात में किस मुद्दे पर चर्चा हुई। मांझी ने ट्वीट में लिखा, पटना स्थित अपने आवास पर पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने सहित अन्य मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के पशु और मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री सन ऑफ मोहल्ला मुकेश सहनी से विमर्श हुआ। वही मुकेश सहनी ने भी अपने ट्विटर हेड से 2 ट्वीट लगातार करते हुए लिखा कि आज एनडीए के सहयोगी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से मुलाकात हुई और विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि डिजिटल सिग्नेचर की वजह से पंचायत में कार्य प्रभावित हो रहा है, ऐसे में यदि पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया गया तो विकास कार्य प्रभावित हो सकता है। सरकार को पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक के लिए बढ़ा देना चाहिए। आपको बता दें कि जब से लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आए हैं तब से बिहार की राजनीति तस्वीर तेजी से बदलती दिख रही है। इसी क्रम में वो 2 दिन पहले ही दिल्ली में अपनी पार्टी के 2 विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। अब देखना होगा कि 2 जून को होने वाली हम पार्टी की राष्ट्र बैठक में जीतन राम मांझी आगे की रणनीति पर क्या फैसला लेते हैं।